हाँ जी, जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में। मैं आजकल बरसात है, रास्ता भी देखती रहती हूँ, फिर बताती हूँ कि मैं कहाँ जाती हूँ। हाँ, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम अभी ख़राब हो चुका है, मतलब बादल, बरसात है तो ख़राब तो हो गई, और अभी मतलब थोड़ी बारिश लगने को है। मैं जा रही हूँ शादी को। मैं क्या, हम सब जा रहे हैं, चार पाँच दरान जठानियाँ जो भी हम हैं, तो कोई ऊपर से चली गई, कोई इधर से जा रही है, हम दो इधर से जा रही हैं, और ये आगे जो है चली गई दीदी एक। तो हम लोग जा रहे हैं शादी को, कहाँ पे, दाड़ला घाट। चलो, जो भी शूट होगा, हमारा तो डेली ब्लॉगिंग का चैनल है, तो रोज की एक्टिविटी आपको दिखाते हैं, ठीक है? तो चलो, ये देखो, यहाँ से हम बस में बैठते हैं आजकल। जब हम यहीं पे होंगे ना, मतलब यहीं पे हम आजकल, वो मैं शाम के टाइम आपको रिप्लाई दूंगी। आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो ये रहा हमारा घर। ऊपर देखो, कंबल बार रखा हुआ है। तो ऐसे रहते हैं, अभी हम मिक्स जैसे रहते हैं। जब तक पार्ले घर की सफाई अच्छी तरह से नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ पे ऐसे नहीं आ जाएंगे कि बिल्कुल ही छोड़ छाड़ के, तो हम दोनों घरों में, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत पैसा लगा है भाई। तो यहाँ से अभी बस आएगी, और चलो, तो अभी बाकी सारे पिछले बारिश का पूरा मौसम निकलना हुआ है। ये है हमारी HRTC बस है, जो कि जा रही है बाया खेत होते हुए, बाया हमारे घर से होते हुए। तो हम अपने घर के पास ही बैठते हैं बस में। तो अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसे क्या वीडियो बनाना, ठीक है? मैंने बता दिया कि बस में जा रहे हैं भाई बस, ठीक है? तो मैं आपको आगे मिलती हूँ। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दाला। तो अभी हम सियार पहुंच चुके हैं, दाड़ला से थोड़ा सा आगे है सियार। तो मैं बता दूं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारी जो सास है ना, उनकी भतीजी के लड़के की शादी, और ये हमारी सास की जो भतीजी ना, उनके जेठ का मकान है ये वाला। इसको हम देख रहे थे, कितने बड़े बड़े मकान है ना सियार में, इतने बड़े बड़े, मतलब बहुत बड़ी मार्केट है, और बहुत बड़ा, पहले छोटा सा गाँव हुआ करता था, फिर अब लोगों ने बहुत बड़े बड़े मकान डाल दिए हैं। और ये मंदिर है यहाँ पे, शनिदेव का मंदिर है, माता का मंदिर है। तो यहाँ से उतरे हम जा रहे हैं, और हमने शॉर्टकट लिया यहाँ से, और अभी हम सीधा पहुँचेंगे जय भगवान की। अभी हम पहुँचेंगे यहाँ से सीधा शॉर्टकट जाके जो है शादी वालों के घर में। तो शादी परसों शांति थी, पिछले कल शादी थी, आज थी बैठी धाम। बैठी धाम बोलते हैं हमारे, जो तीसरे दिन होती है। आज लड़की की साइड से मिलने वाले भी आने थे, और आज धाम भी थी बैठी। कल भी था खाने का, कल नहीं हम गए थे, परसों भी नहीं गए थे। तो आज हम लोग आज जा रहे हैं सभी दरान जठानियाँ। तो ये देखो, ये इन्होंने पक्का ही रास्ता किया हुआ, ये सियार गांव है यहाँ पे। और कहते हैं कि यहाँ पे पहले बहुत पुराने पुराने घर हुआ करते थे, पुराने डिज़ाइन के, लेकिन यहाँ पे जब से अंबुजा फैक्ट्री लगी है ना, लोगों, मतलब लोगों के पास काफ़ी पैसा हो गया है, कईयों की ज़मीनें गई हैं, कईयों ने गाड़ियाँ डाली हैं वहाँ पे, ट्रक, तो मतलब काफ़ी वहाँ पे काम मिला लोगों को। तो उस वजह से जो है काफ़ी, क्या बोलते हैं, विकसित हो गया दाड़ला और सियार जो गाँव थे वो दोनों ही। पहले दो चार चार घर हुआ करते थे। तो मैं थी, निर्मला दीदी थी, बड़ी दीदी थी, आशा दीदी थी, रेखा थी, और हम ही थे पाँच जने। तो हम बस में गए थे, और ये देखिए बड़ा अच्छा, मतलब उनका घर भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा। मुझे एक वहाँ पे प्यारी सी मेरी सब्सक्राइबर दीदी भी मिली, तो उनके साथ भी मैंने वीडियो बनाया। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे मुझे जानने वाले, मुझे बहुत खुशी हुई। और हमारी, मतलब हम खाने बैठे बहुत एक ही, और कुछ भैया ने बोला कि ये ब्लॉगर है भाई, इनको खाना दो, आप इतनी अच्छी वीडियो बनाते। बहुत तारीफ़ हुई, जम के तारीफ हुई मेरी, मेरे को बड़ी खुशी हुई, है ना? किसको अपनी तारीफ सुननी पसंद नहीं है ना, सबको होती है ना। तो जब अनजान चेहरे हमारे पास आते हैं और ये बोलते हैं, अरे आप वही हो ना जो वीडियो बनाते हो, आप वही हो ना जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, सच्ची बोल रही हूँ। और जैसे आप कमेंट करते हो ना, जो मुझे नहीं मिले आज तक, वैसा ही वो लोग जब हकीकत में बोलते हैं ना, तो बहुत खुश होती है। और उनका भी यही कहना है कि हम आपको स्क्रीन पे देखते हैं, जब हम आपको रियल में देखते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो
बड़ी बात होती है, पहचान सबके बीच में पहचान बननी। वाह, ये आप लोगों की बदौलत है, माता रानी की कृपा है। हमें कौन पहचानता था, कभी टाइम था मेरे नहीं आ रहा है, लेकिन आज ऐसा टाइम है कि हम उनसे बात करने आते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं जितना भी माता रानी का धन्यवाद करूँ बहुत कम है। आप लोग का जितना भी ज्यादा करो, तो मैं ये मुकाम तक, इस मुकाम तक आप लोगों ने पहुँचाया। तो चलिए, ये सारी गर्व का गर्व लगने वाला है, और ये भी उनके भाई का, ये चार तीन चार भाई का है, तो हम थोड़ा परिचित हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है चल रहे थे, मैं तो बड़े बार उठू तो ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये है घर, बहुत बड़ा मकान है, मतलब पूरे गांव जितना जितना मकान है। ये है इनकी गाड़ी जिसमें बारात गई थी, अपनी गाड़ी है इनकी ये, और दो लड़के इनके भैया के, मतलब ननद ही लगी हमारे ना, ये ननद जी लगे, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड के मामा की लड़की का ये घर है, तो उनके बेटे की शादी, तो हमारी ननद लगी। तो ये पहुंच चुके थे यहाँ पे मिलने वाले, मतलब लड़की की तरफ से आ जाए थे, वैसे बारात पिछले कल शाम को आ चुकी थी, तो हम भी इनके साथ साथ में पहुंचे। फिर हम आगे निकल गए थे, आगे बैठे थे, वही इंतज़ाम देख के ना, मतलब आप पूरा वीडियो देखिएगा, हर चीज़ खाने को थी जाते ही, डोसा और गोलगप्पे, आइसक्रीम, फ्रूट चाट, कोल्ड ड्रिंक, मतलब हर चीज़ थी वहाँ पे, चने पूरियाँ, जो भी कोई खाना चाहता था वो थी वहाँ पे। तो जाते हमने वो थोड़ा थोड़ा लिया, ज़्यादा तो अब खाया भी नहीं जाता, आप लोगों को पता है मेरा तो खास करके, मुझे ये चीज़ें पचती नहीं है, पर मैं खा लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जाते हैं, हमने गोलगप्पे खाए सबसे पहले, पानी पूरी गोलगप्पे, तो हम पांचों जनियों ने, ये देखिए यहाँ पे, और उसके बाद हमने फ्रूट चाट ली थी, उसके बाद आइसक्रीम ली थी, बस तीन ही चीज़ें खाई थी, मंचूरियन भी था यहाँ पे, सब कुछ था, लेकिन इतना नहीं खाया जाता। और एक बात देखो, यहाँ पे स्क्रीन लगी है, पीछे मिलने वाले जो मिलनी कर रहे हैं ना, ये दूल्हे की माँ है, और साथ में पीछे पापा खड़े हैं। तो ये देखो, आगे स्क्रीन लगी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पीछे नहीं खड़े हो सकते, तो आगे स्क्रीन पे, टीवी पे जो है सारा लाइव प्रोग्राम दिख रहा है, तो लोगों को आसानी से आगे दिख रहा था कि मिलने वाले कैसे क्या कर रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं। तो मिलने वाले ऐसा होता है कि लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप मिलनी करते हैं, ठीक है, एक पहला शुभ मुहूर्त होता है जब वो लोग मिलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सभी लोग, हर जगह पे भीड़ लगी हुई है, तो इतना सारा, मतलब मेले की तरह लग रहा था यहाँ पे, जैसे मेला होता है ना कहीं पे, तो उस तरह का ही लग रहा था, ठीक है। तो चलो हम लोग खा लेते हैं, आप थोड़ा सा बस ये लो, आ जाओ, वो लगा के रहना, ठीक है, आज से लगा के उधर देखने जरा, ये दी दिया मैंने, आ जाओ, बोटियां भी है, 10 का बेरा सही है, ओके, बस ये भी बन गया, गर्मी आई है, रंग लगा तो मैं थोड़ी सी डाल दो, एक एक दो आएगी, दो तीन आएगी, चम कही है, चल, अरे देखिए, यहाँ पे आगे स्टेज लगा था, बहुत सारे लोग थे आगे, तो बारी भी नहीं आ रही थी तो, पर सबका बहुत आदर खातर किया गया, बहुत ज़्यादा सेवा करी, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ लोग हैं। ऊपर चल के मैं आपको उनका मकान भी दिखाती हूँ, उनका घर दिखाती हूँ, और इनका अपना बिजनेस, इनकी गाड़ियाँ हैं अपनी, और अपने सरिये, मैं यहाँ से ही सारा जितना भी हमारा लोहे का सामान आया इनकी शॉप से आया। तो ये देखिए, हम यहाँ पे बैठे थे, पिछली साइड भी आप लोगों को दिखा रही थी, सारे लोग थे, बहुत सारे भैया लोग आए कि हमारी पत्नियाँ आपका ब्लॉग दिखती हैं, हमने आपकी आवाज़ से आपको पहचाना है, तो बहुत खुशी का पल होता है वो, सच्ची में यकीन मानिए।
और जितना लोग आप मेरे से प्यार करते हैं, मेरे को कोई मिलता है तो मुझे भी उतनी खुशी होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब ये एक सपना है, लेकिन सपना नहीं, ये हकीकत होती है। तो वो अपने आप आते हैं, लोग बोलते हैं आप कैसे पहचानोगे, हम आपको जानते हैं, हम आपके देखने वाले हैं, हम आपकी वीडियो देखते हैं। तो सबका बहुत बहुत थैंक यू जो मुझे यहाँ पे भी मिले, मेरे भाई बहन उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। आपके लिए बहुत सारी दुआएं माता रानी से मैं करती हूँ कि आपको हमेशा खुश रखे। तो ये देखिए यहाँ पे जो दुल्हन के मायके वाले हैं वो यहाँ पे नाट्टी डांस कर रहे हैं, तो नाट्टी को मैंने म्यूट कर रखा है क्योंकि नाट्टी जो है हमारे मतलब कोई भी गाना है कॉपीराइट आ जाता है, तो वो मैं बेला रिस्क नहीं ले सकती, हमारे चैनल को खतरा रहते हैं चीज़ों से। तो ये देखिए ये सभी दुल्हन के मायके वाले हैं, तो बीच में दूल्हा और दुल्हन भी नाच रहे हैं, उनको भी बुलाया, थोड़ी देर के लाइव प्रोग्राम चला हुआ है। और ये देखो यहाँ पे आगे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं सामने भी। तो ये देखो हर चीज़ की सुविधा थी यहाँ पे करी हुई। देखिए यहाँ पे शाम को उन्होंने घर सजाया था, कभी शाम की वीडियो लगाया, तो ये दूल्हे की माँ है। तो सबको टीका लगा रही थी, जैसे शगुन इनको लगाते हैं उल्टे हमारे यहाँ पे जो आती हैं उनको भी लगाते हैं, हमारे को मुझे भी एक सूट हम 5 दराणी जिठानियाँ जो गई थी, एक एक सूट और एक एक मिठाई का डब्बा दिया गया, ठीक है। तो वो सूट मैं आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में, बाकी अभी आपको मैं इनका घर दिखाती हूँ ऊपर चल के, क्योंकि बारिश आ चुकी थी और हम लोग आगे आ गए थे। और ये देखिए दूल्हे की माँ और दूल्हे की ताई ने एक जैसे कपड़े पहने थे, बहुत प्यारी लग रही थी दोनों, अच्छा लगता है परिवार में ऐसा प्यार प्रेम सच्ची में। शादी वालों का घर है, घर नहीं है महल है मतलब इसमें इतने सारे कमरे हैं ना, अभी हम चौथा पांचवा फ्लोर है। तो मैं आपको नीचे दिखाती हूँ, और सिंपल कितने पता है लोग, बहुत अच्छी बात है, डाउन टू अर्थ रहना ना, मैं इनकी दुकान भी दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छी बात है। और नीचे से आए हम, नीचे बैठे थे टेंट के, यहाँ पे लगा हुआ है सारा, ऊपर से तरपाल इन्होंने कर रखा है, और वो आया परे से, और ये इनका घर है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ऊपर भी है नहीं, ऊपर मतलब तैयार हो रहा है, हाँ ऊपर भी नहीं, बस ऊपर लास्ट है शायद, ऊपर लेंटर को पौड़ियाँ गई यहाँ से, अलग अलग मतलब इनके दो लड़के हैं, इन्होंने दोनों को अलग अलग क्या बोलते हैं उसको बना दिए हैं, मतलब है ये इकट्ठे लेकिन आगे आने वाले टाइम के लिए। तो भाई घर घर नहीं महल है ये, और वो देखो लास्ट ये है जी, यहाँ तो हम नीचे खड़े हुए, 1 2 3 4 यहाँ से पूरा दाड़ला दिखता है, और ये जो ये रोड गया, ये गया शिमला मंडी रोड, सामने इनकी शॉप है आज बंद है, ये भी यहाँ पे भी इनका ही है, ये तीन दुकानें आपको बंद लग रही है ना, ये भी इनका ही है, और इधर आके ये वाला यहाँ पे इनका जो स्टोर रूम है यहाँ पे सरिया वगैरह का, ये भी इनका ही है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छे लोग हैं, दो लड़के इनके, लड़की नहीं है कोई भी, और
आज के लोगों के पास थोड़ा थोड़ा होता है ना, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। ये देखो ऐसे ऐसे घर यहाँ पे बने हुए हैं। चलो अभी हम लोग नीचे चलते हैं, धाम का टाइम हो गया है, फिर हमने ना घर को भी निकलना है। ठीक है, तो ये है, बाकी हमारे को गिफ्ट मिला वहां से, घर आके दिखाऊंगी, जाके दिखाऊंगी। चलो सुनो जाना, तो ये ऊपर को गई है, अभी एक और ऊपर शायद लेंटर को ही गई है। तो यहाँ से नीचे जो तैयार है, ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, लेकिन यहाँ तक जो सारा तैयार है वो देखा।